Thank you. Before I begin, I want to say that probably one good thing has come out of the terrible attacks on universities that the Modi government has been launching from Hyderabad to everywhere, including JNU. And that is an unprecedented left Ambedkarite feminist solidarity on campus. All over the country, a left Ambedkarite feminist sensibility is emerging, a solidarity is emerging among students, and this may be the historical moment for an autonomous students movement, a coalition of left Ambedkarite feminist groups that will work together and not against one another during elections. I will say one more thing in English before I move on to my lecture, which is to explain to friends, colleagues and students from the states of the Northeast and the states of the South why I'm doing this lecture in Hindi. It's not because Hindi is the national language. It's not the national language. It's a distinct language. It's a language for communication among officials and the bureaucracy. I will speak in Hindi because Hindi is the local language of this area, and all of us should know our mother tongue and the local language. I also know that those friends of ours who are here from the states of the Northeast and the South understand more Hindi than the Deshbhakts understand any other language. तो ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदी बड़ी दुरुस्त है और खासकर जेंडर के बारे में काफी डावाडोल है. तो आप मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे माफ करेंगे. I was told not to do that. Should I keep doing this? Yes. You can't hear me if I speak like this. It's okay. Please. Because the mic will keep moving. Yeah. तो सबसे पहले हम भाषा ही की बात से शुरू करते हैं राष्ट्रवाद पे बोलना. और तो क्योंकि मैंने भाषा का सवाल उठाया है, हम भाषा से ही शुरू करते हैं राष्ट्रवाद पे जो विचार है मेरे. और ये सवाल उस दिन कल जब आयशा बात कर रही थी, किसी ने ये सवाल उठाया कि क्या एक राष्ट्र बनने के लिए, एक देश बनने के लिए एक भाषा की ज़रूरत क्या नहीं है. तो उस सवाल का जवाब आयशा ने उस वक्त दिया था, लेकिन मैं भी अभी दूंगी. वो ये है कि अगर एक भाषा होनी चाहिए एक राष्ट्र को या एक देश को एकजुट कराने में, तो वो भाषा कौन सी होगी, कौन सी ज़ुबान होगी, और कौन तय करेगा कि कौन सी ज़ुबान इस देश की ज़ुबान होगी या इस देश की भाषा होगी. अब होता क्या है कि कोई भी जब निर्णय लिया जाता है कि एक देश के लिए फलानी कोई एक चीज़ की ज़रूरत है, या चाहे वो भाषा हो या सिविल कोड हो या जो भी हो, तब होता ये है कि वो एक चीज़ जो लोग मानते हैं वो ताकतवर तबकों की संस्कृति से उठाया जाता है. तो हम ये देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे देश में हमने ये देखा है कि बार बार जब कोई एक चीज़ की मांग की जाती है कि ये हमारे राष्ट्र का है, तो वो ज़्यादातर सवर्ण तबकों का जो कि हिंदी भाषी रीजन में है, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जो मूल्य हैं उनको इंडियन माना जाता है. अगर आप कभी भी उन पार्लियामेंट्री डिबेट्स को देखेंगे, हिंदू कोड बिल के डिबेट के दौरान, बार बार हम देखेंगे कि एमपी जिनके नाम श्रीनिवासन है या सुब्रमण्यम है, यानी कि साउथ से हैं या घोष है या जो भी है बंगाल के हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कियों के घर शादी के बाद लड़कियों को मिलना या लड़कियों के घर में जाना हमारे लिए वर्जित नहीं है. तब कोई श्रीवास्तव या कोई अग्रवाल उठ खड़ा हो जाता है, ये मैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स की बात कर रही हूँ, और वो कहता है कि फिर ये हिंदुस्तानी नहीं है. आपके बंगाल में होता होगा, आपके केरल में होता होगा, आपके तमिलनाडु में होता होगा, लेकिन ये भारतीय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी ब्याही हुई लड़की के घर से पानी तक हम नहीं पीते. तो इस तरह हिंदी को भी हमारी भाषा कहलाने के लिए काफ़ी सेंसस के साथ खेल करना पड़ा है. कल आयशा ने बताया है किस तरह ये होता है,
लेकिन आज मैंने उनसे पूछा कि हिंदी अपनी मातृभाषा कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग सेंसस में बताते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बस 20% लोग। अब इस 20% को 50% बनाया जाता है करीब करीब 50 और भाषाओं को हिंदी मानकर। तो ये हम समझते हैं JNU जैसे लगना, तो ये एक राष्ट्रीय खेल है, एक तरह से एक राजनीतिक खेल है, किसी और की तरह लगाना। तो भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मैथिली, बुंदेली जैसे पूरी तरह की जो भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति है, अपना साहित्य है, इनको हिंदी के अंतर्गत लाया गया है ये दर्शाने के लिए कि ये स्वायत्त भाषाएं नहीं हैं और हिंदी 50% लोग भारत में बोलते हैं। हम ये भी जानते हैं ऑफिशियल हिंदी जो है वो उसका गठन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्हीं तबकों ने किया था, उसमें से उर्दू को निकाल के, उर्दू फारसी को निकाल के बोलचाल की हिंदुस्तानी को साफ किया गया, सुथरा किया गया और एक बहुत ही अजीब सा अटपटी सी भाषा, अब देख रहे हैं, अच्छा वो जेंडर में हो रहा है ना गड़बड़, लेकिन अचानक दे आ रहा था भाषा करने। मलयालम में उस तरह का जेंडर नहीं है, इसलिए भी प्रॉब्लम है, और ना ही इंग्लिश में। और सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी ये हुआ कि उर्दू को साफ किया गया। तो हम देखते हैं कि देश या राष्ट्र जो है वो शुद्धता मांगता है हम सबसे, और वो शुद्धता के पैमाने या शुद्धता के मापदंड तय करते हैं बिल्कुल जो ताकतवर तबके हैं और जो कि खासकर बहुत ही मैस्कुलिनिस्ट है, इन तबकों से तय किया जाता है कि शुद्धता किस तरह परखी जाएगी। और जाहिर है फिर कि हम सब बिल्कुल ही अशुद्ध निकलेंगे उनके और नापाक निकलेंगे। और ये सारे शब्द बाय द वे, जब मैं हिंदी पढ़ती थी, जब भी मैं इस तरह के शब्द लिखती थी, क्योंकि मैं घर में हम हिंदी नहीं बोलते थे, हिंदी फिल्मों से सीखती थी, तो अगर मैंने मोहब्बत कहा उसको काट के प्यार लिखा जाता था, अगर मैंने मतलब जो भी सिंपल से शब्द हैं कलाम कहा तो फिर उसको लेखन या कुछ करवाया जाता था। तो ये रिलेंटलेस संस्कृताइजेशन जो हिंदी के साथ हुआ है वो भी एक वजह है जिससे कि हम जैसे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हम उस तरह से ठीक और शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। हिंदी बोलने का हौसला मेरा तब बढ़ा जब मैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म में उतरी और मैंने देखा कि बिहार से और राजस्थान से जो कॉमरेड और जो वर्कर और जो लोग आते हैं उनको कोई झिझक नहीं है, जेंडर के बारे में सोचते नहीं है, उनकी मातृभाषा है, वो हिंदी जैसी की तैसी बोलते हैं और मैं भी उससे साहस मैंने भी साहस। जब हम कहते हैं कि अब ये टाइटल नेशन इज अ डेली प्लेबिसाइट, वो रेना इतिहासकार रेना का कोटेशन है, और जाहिर है कि प्लेबिसाइट का कि हिंदी के लिए मुझे दोस्तों से पता लगाना पड़ा रायशुमारी, और मैं उस पर अभी आऊँगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि राष्ट्र एक रोज़ाना रायशुमारी है, हमारा मतलब ये है कि राष्ट्र कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है। और ये बार बार यहाँ जो लेक्चर हुए हैं हम बार बार आपने सुना होगा और आप जानते भी हैं क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं कि राष्ट्र का एक इतिहास है, लोग साथ रहे हैं तरह तरह के समुदायों में, और राष्ट्र एक खास ऐतिहासिक मोमेंट पे उभरता है, और यूरोप में करीब 18 सेंचुरी में और इंडिया में करीब 19 सेंचुरी में, और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ और राष्ट्रीय आंदोलन जो लड़ा गया उसके दौरान एक राष्ट्र का गठन किया गया, चाहे वो सेक्युलर नेहरूवादी टाइप ऑफ नेशन है या हिंदुत्ववादी हो, जो भी हो, उसका गठन किए बहुत हजारों साल पुराना है, वो 19वीं सदी में एक्चुअली उभर के आता है ये राष्ट्र। होता क्या है कि एक बार साम्राज्यवाद को हटा के जब एक बार स्वराज या इंडिपेंडेंस मिल जाता है देश को, तब क्या माना जाता है कि अब कोई सवाल उठाना बिल्कुल नाजायज है। अभी तक हम उठाते रहे, लेकिन एक बार 15 अगस्त 1947 की तारीख
आ गई, उसके बाद न्याय के बारे में सवाल उठाना, हमारे रिसोर्सेज के बारे में सवाल उठाना कि किसका हक है रिसोर्सेज पर, कोई भी सवाल उठाना अब अचानक एंटी नेशनल बन जाता है। ये राष्ट्र राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहूँ मैं, उसका एक महत्वपूर्ण खेल है कि इसके बाद आप सवाल नहीं उठाएंगे, और इसके बाद अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप एंटी नेशनल हैं। इसीलिए ये है कि सेक्शन 124A जिसके अंतर्गत हमारे दोस्तों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है, और हमारे ये पहली बार नहीं है, सेडिशन के चार्जेस कई उन पे लगा है और कई जर्नलिस्ट पे लगा है और देश भर में लगा है, और ये जो कानून है उसको बिल्कुल भी बदलना नहीं पड़ा हमारे इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट को। तो कुछ बहुत ही अजीब से शब्द निकालने पड़े, जैसे कि हर मैजेस्टी निकाला गया, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव निकाला गया, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश बर्मा निकाला गया, बस यही है। 150 साल पुराना कानून है ये, और वही कानून जिसके जरिए एक साम्राज्यवादी सरकार ने इस देश को चलाया, उसी कानून के जरिए अब एक सो कॉल्ड स्वायत्त स्वराज, मतलब सपोजिटली इंडिपेंडेंट राष्ट्र अब इस देश को चला रहा है। तो बिल्कुल कॉस्मेटिक चेंजेस जिसे हम कहते हैं वही हुए। अब जब हम कहते हैं कि ये एक रोजाना रायशुमारी है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम जनतंत्र को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मूल्य है जनतंत्र। हम कह रहे हैं क्योंकि जनतंत्र क्या है, वो एक प्रक्रिया है जो जारी है, वो चलती रहती है और वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब आप समझते हैं कि अब सारे तबके इसमें आ गए, कोई और एक नई पहचान खड़ी हो जाएगी कि आपने हमने हमारे बारे में नहीं सोचा, या एक तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे, तो डेमोक्रेटाइजेशन इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। जबकि राष्ट्र राज्य जो है वो एक माना जाता है कि उसका प्रक्रिया ख़त्म है, वो एक तरह से जम गया है। ये है इंडिया, अब इसके बारे में अब कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। इसीलिए हमारे कई जाने माने नेशनलिस्ट जो हैं, टैगोर से लेके गांधी से लेके अब अंबेडकर, पेरियार, सब ने राष्ट्रवाद पर और राष्ट्र राज्य पर शक के नज़रिए से देखा। टैगोर ने कहा द नेशन शुड नॉट बिकम ऑल पावरफुल एट द कॉस्ट ऑफ अ हायर सोशल लाइफ। अंबेडकर आप जानते हैं साइमन कमीशन से मिल के आए, क्योंकि वो जबकि बाकी सारे नेशनलिस्ट साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है, उनको पता था कि इस राष्ट्र राज्य में जो डोमिनेंट तबके हैं, जो ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स हैं, वही राष्ट्र को अपने हित में कराएंगे। और अंबेडकर समझते थे कि अगर साइमन कमीशन से दलितों को और बैकवर्ड क्लासेस को कुछ सहारा मिले तो वो उनसे मिलने के लिए तैयार थे। अब इसी को लेके अरुण शौरी ने अरुण शौरी ने उनको एंटी नेशनल कहा। तो वी आर इन वेरी गुड कंपनी, व्हाट ग्रेटर ऑनर देन टू बी क्वेटेड विद अंबेडकर। परियार ने भी राष्ट्रवाद को बहुत ही, मतलब वो बहुत ही शक के नज़र से देखते थे, क्योंकि उनको वो भी यही समझते थे कि ये एक प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कि सवाल उठेंगे और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। अब 1955 में एक मराठी जनरल ज्ञानोदय में 11 साल की मुक्ताबाई, जो एक दलित स्टूडेंट थी उस वक्त, सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोला था पुणे में, वो उसमें स्टूडेंट थी, और उन्होंने ये ऐसे लिखा जो कि अंग्रेजी में मैं पढ़ रही हूँ, मैं मतलब ऑब्वियसली इट्स ट्रांसलेटेड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज। अर्लियर गोखले आपटे ट्रिंकाजी, ये सब ब्राह्मण सरनेम्स हैं, अर्लियर गोखले आपटे ट्रिंकाजी हु शोड देयर ब्रेवरी बाय किलिंग रैट्स इन देयर होम्स परसिक्यूटेड अस नॉट इवन स्पेयरिंग प्रेग्नेंट वुमेन विदाउट एनी राइम और रीजन, दैट हैज स्टॉप्ड नाउ। Harassment and torture of Mahars and Mangs common during the rule of Peshwas in Pune has stopped.
Now human sacrifice for the foundation of forts and mansions has stopped. Now our population is growing in numbers. Earlier, if any Mahar or Mang wore fine clothes, they would say that only Brahmins could wear such clothes. They would tie them to trees and punish them, but under British rule, anybody with money can buy and wear clothes. So anti-imperialism or anti-national hona, anti-imperialism is not necessarily, aisa nahi hai ki anti-imperialist hone se समाज के हर तबके में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है. मुक्ताबाई के लिए ब्रिटिश रूल का रहना रहने से ब्राह्मणवाद पे बहुत बड़ी चोट पहुंची और उनको कोई बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में कि अब ब्राह्मणवाद पे वार पड़ा है. तो मेरे कहने का मतलब है कि नेशन जो है एंटी नेशनल जिसे कहते हैं हमारा एक बहुत ही हमारी एक बहुत ही प्राउड परंपरा है और ये इसीलिए होता है इसी लोग इसीलिए राष्ट्र को लेके इस तरह के नेशनल्स जो हैं इसीलिए राष्ट्र के साथ इतना वो रहते हैं क्योंकि राष्ट्र राज्य में और जनतंत्र में एक अंतर्विरोध है और बार बार उस अंतर्विरोध ज़्यादा गहरा होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे आवाज़ उठाते हैं हम जैसे जैसे जनवादी आवाज़ें उठते हैं उनको राष्ट्रराज उचलने की कोशिश करते हैं करता है राष्ट्रहित के नाम में. और राष्ट्रहित जाहिर है सिर्फ एक एलीट तबके के लिए है और एक एलीट तबके के हित को राष्ट्रहित कहा जाता है तो जाहिर है कि कोई भी सवाल उठाएगा तो उस पर एंटी नेशनल का लेबल लगाया जाएगा. मैं जल्दी तीन कहानियां सुनाऊंगी जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये राष्ट्र जो है कितना एक्चुअली नाजुक है. हमें लगता है कि राष्ट्र राज एक बहुत ही मजबूत चीज़ है लेकिन अगर इतना ही मजबूत होता तो दो लोगों ने पांच लोगों ने पांच लड़कों ने अगर कोई इस तरह का नारा लगाया भी होता तो एक इस तरह जैसे मक्खी को उड़ाते हैं 26 जनवरी को जो हम देखते हैं ना राजपथ पर वो है राष्ट्र राज्य. और इतना डर कि चार लड़कों ने कोई स्लोगन उठाया इतना मतलब राष्ट्र राज हिलता है इस पर तो जाहिर है कि राष्ट्र राज इतना मजबूत नहीं है जितना हम समझते हैं. उस मजबूती को बनाए रखने के लिए हर टैंक और हर बंदूक और हर कानून की ज़रूरत पड़ती है उनको. तो पहली कहानी ये है एक पाकिस्तानी दोस्त होती थी हमारी जो मतलब है अब भी दोस्त लेकिन वो उन दिनों वो दिल्ली में रह रही थी उड़ीसी सीखने के लिए. तो जाहिर है कि पाकिस्तान में वहाँ के देशभक्त जो हैं मैं उर्दू में नहीं कह सकती क्या है वो शब्द लेकिन वहाँ के देशभक्त जो हैं जाहिर है सादिया को बड़ा ही एंटी नेशनल समझते होंगे कि क्योंकि वो आके उड़ीसी सीख रही थी. खैर वो अलग कहानी है. वो उसके घर में जो औरत घर का काम करती थी उसे कभी समझ में नहीं आता था कि सादिया कहाँ से है. तो कभी कभी सादिया से पूछती थी लेकिन दीदी आप हैं कहाँ से तो सादिया कहती थी पाकिस्तान से. तो वो कहती है बाहर से हाँ मतलब पाकिस्तान से. फिर वो कहती थी कि अच्छा तो क्या अमेरिका क्या मतलब आप कहाँ से हैं. तो सादिया कहती थी ये इंडिया है ना आपका हिंदुस्तान तो मैं यहाँ से नहीं हूँ मैं एक और देश से हूँ. लेकिन इस औरत को कभी समझ में नहीं आता था कि ये पाकिस्तान है क्या चीज़. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं अगर तो ये जाहिर है ये औरत घर का मतलब वो डोमेस्टिक काम करके अपना अपनी अपना गुजारा कर रही थी इसका मतलब है कि उसका ज़्यादा शिक्षा वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी उसको ज़्यादा शिक्षा नहीं मिली थी और उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये भारत क्या है ये हिंदुस्तान क्या है. तो ये चीज़ कोई प्राकृतिक ज्ञान नहीं है जो कि बच्चा पैदा होते ही समझ जाता है अपनी माँ सॉरी प्लीज़ होल्ड द माइक क्लोज़र. ऐसा नहीं है कि जैसे अपनी माँ को पहचानता है कोई बच्चा वो राष्ट्र को फौरन पहचान जाता है. ऐसा नहीं है सीखना पड़ता है हर चीज़ सीखनी पड़ती है. जब मर्द और औरत बनना हमें सीखनी पड़ती है जेंडर भी एक रोजाना राव शुमारी है. तो जब हमें हर रोज और दिन
मतलब हर दिन हमें ये सीखना पड़ता है कि कैसे मर्द बन के रहे और कैसे औरत बन के रहे, जब इतनी प्राकृतिक चीज, इतनी बायोलॉजिकल चीज हमें सीखनी पड़ती है, तो जाहिर है कि राष्ट्रवाद भी सीखना पड़ता है। और इसीलिए बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसको इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा। इनका मतलब ये नहीं था कि ये काल्पनिक है महज, वो ये नहीं कह रहे थे कि ये महज एक काल्पनिक कम्युनिटी है, एक ये असली नहीं है। उनका मतलब ये था कि इसको, इसका गठन करना पड़ता है, इसको हमारे कल्पना में लाके इसका गठन करना पड़ता है। और इस गठन में हम तरह तरह के, इसमें तरह तरह की आशाएं होंगी, तरह तरह की उम्मीदें होंगी, तरह तरह की मांगे होंगी। और अगर हम इन सब सारी चीज़ों को साथ लेके नहीं चलते तो वो राष्ट्र का गठन नहीं होता। और होता फिर क्या है कि जितने लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश है, उस उतना ही कोशिश है लोगों को बाहर रखने की। क्योंकि कोई राष्ट्रवाद ये नहीं कहता कि सारी दुनिया इस देश का नागरिक है, नहीं कहता कोई राष्ट्रवाद। इसीलिए टैगोर को इतना वो था राष्ट्र को लेके। और होता, और जब आप पहले एक्सक्लूड करेंगे और जब आप वो आपको प्यार नहीं करते तब उनको एंटी नेशनल कहेंगे। आपने पहले उनको एक्सक्लूड किया और वो फिर आपको मतलब प्यार मोहब्बत से मिलते नहीं हैं, तो गलती उनकी है। तो जैसे हमने मैंने सुना एक बार डीयू में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही शॉक तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे थे, और मैं मेरे कानों में पड़ा ये कॉन्वर्सेशन कि नागा स्टूडेंट्स इतने अजीब हैं, जब वो नागालैंड से दिल्ली आते हैं वो कहते हैं वी आर गोइंग टू इंडिया, मतलब नागालैंड को वो इंडिया नहीं मानते। अब मुझे लगा कि शायद बीच में पढ़ के कुछ उनसे बातें करनी चाहिए, नहीं किया मैंने, तो कन्वर्सेशन आफ्टर बहुत मतलब अपने आप को मुझे रोकना पड़ा। लेकिन क्या इसका पॉइंट क्या है कि हम मानते हैं कि नागालैंड भारत का भाग है, लेकिन वो हमारे अपने आप को हमारा नहीं समझते। तो इसमें क्या है कि एक तो हम और इंडिया में जो कन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं और वो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नागालैंड की टेरिटरी वो अपना मानते हैं, लेकिन जो नागा स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जो कह रहे हैं, जब वो कहते हैं इंडिया जा रहे हैं, तो आप सुनिए ना उनकी बात, पूछिए आप इंडिया क्यों कह रहे हैं, इतिहास समझेंगे आप नागालैंड की। तो नागालैंड हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन अगर कश्मीरी और नागा लोगों को हमारे देश में रहना है, जिसमें नागालैंड की धरती और कश्मीर की धरती ऑलरेडी शामिल है, तो फिर उनको हमारे, हम जो कहते हैं उन रूल्स पे रहना होगा। तो इसका मतलब है कि राष्ट्र को एक तरह से लोगों के पहले माना जा रहा है कि राष्ट्र लोगों के पहले उसका जन्म हुआ। इनको, उनके दिमाग में कोई चिकन और एग वाला सवाल है ही नहीं, उनको वो बहुत क्लियर है कि इंडिया जो है वो है, वो जिस तरह हम मैप को बनाते हैं वो कोई ईश्वर ने दिया, या जैसे बारिश पड़ती है धरती पे उस तरह वो बना। अब आपने कब देखा होगा, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने, और कभी मेरे ऑफिस में आए हैं, या हिमाल मैगजीन अगर आपने पढ़ा हो, आपने देखा होगा एक मैप है जिसमें कश्मीर नीचे, और उस मैप को देखते ही लोग कहते हैं ये अपसाइड डाउन मैप आप क्यों रख रही हैं। और फिर सिंपल सा सवाल है कि धरती गोल है, अपसाइड डाउन कुछ भी नहीं, अपसाइड डाउन इसीलिए लगता है, अपसाइड डाउन इसीलिए लगता है क्योंकि मैप बनाने के कुछ कन्वेंशंस हैं, और उस उन कन्वेंशंस को अगर आप मतलब उल्टा करें तो वो उल्टा नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि उस पिक्चर को, उस छवि को किस तरह भारत माता बनाया गया, मतलब वो जो है सर है, ईस्ट और वेस्ट जो है वो बाहें हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम आइंदा भारत उस मैप को उस तरह ही दिखाएं तो वो भारत माता उस तरह नहीं लगेगी जैसे ये लोग बना रहे हैं। तीसरी कहानी ये है कि मेरी एक दोस्त है जो कि लेह में, लद्दाख में टेक्स्ट बुक रिविजन पे काम कर रही थी, और तो उन टेक्स्ट बुक में ले जगह के फ्लोरा फौना वो सब नहीं था, बस वही टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे जो CBSE में हमारे बाकी देश में सारे लोग पढ़ते हैं, तो उनका लोकल कुछ भी नहीं था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात मुझे
ये लगा कि उसने कहा कि वो जेनरेशन से ये पढ़ रहे हैं कि हिमालय हमारे उत्तर में है और मेरे के बच्चे जानते तो इतना कंफ्यूजन हुआ होगा उन लोगों को। तो हम तो हम ये पूछ सकते हैं इन तीन कहानियों से मैं जानकी मैं 5 मिनट और बोलूं तो सवाल ये होगा फिर कि क्या हम एक तो जाहिर है इन तीन कहानियों से कि राष्ट्र इंक्लूसिव नहीं है, राष्ट्र ज़्यादातर लोगों को शामिल करने की कोशिश भी नहीं करती क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ही जैसे बनना है जो कि वो एक मुट्ठी भर जो मर्द हैं यूपी रीजन के जो सबर्न मर्द हैं उन जैसे अगर बनो तो यहाँ रह सकते हैं वरना पत्थर तो हमारी तुम लोग पाकिस्तान जाओ है ना। पाकिस्तान में हम सब चले जाएंगे तो वहाँ नौकरी की सवाल तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि ज़्यादा इंक्लूसिव नेशनलिज्म हमें करना चाहिए कि हमारे नेशन के मायने जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना चाहिए। ये हम सवाल पूछ सकते हैं, ये हो भी सकता है लेकिन ये हम शब्द जो है ना जो मैं भी अभी बार बार क्या हम ये कह ये हम जो है ये बहुत ही अजीब शब्द है क्योंकि हर कोई हम शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। नागा स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकते कि आप हमारे राष्ट्र में यू आर वेलकम इन आर कंट्री, वो नागा हम नहीं हैं और यू नो और लद्दाखी हम नहीं, वो हम कर सकते हैं जो कि मेनलैंड इंडिया के जो एलीट हैं हम बड़े ही उदार दिल हैं हम सबको इंक्लूड करना चाहते हैं आप हमारे यहाँ आइए। लेकिन तो जब आप देखिए कब हम का इस्तेमाल होता है, हमारे पास बम है परमाणु बम है हम मैच जीत गए 11 मर्दों ने मैच जीता क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि विमेंस क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है किसी बहुत ही रिकॉर्ड सेट किया जाता है वो 11 मर्द उतरेंगे सब लोग जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हम नर्मदा पे बनने बांध से हम डूबने वाले हैं। अब नंबर को देखिए वो हमारे पास परमाणु बम है वो एक छोटा सा न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है 100 लोग 150 लोग फिर है ये 11 मर्द जो टेस्ट मैच जीता और वो जो है जो नर्मदा के बांध से जैसे हरसूद को ही ले लीजिए बस एक जगह 39,000 लोग नर्मदा वैली में बेघर हुए हैं लेकिन वो नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तान डूब रहा है नर्मदा के पानी में। कभी नहीं कह सकते कुछ लोग कह सकते हैं जिनका हित राष्ट्र का हित है। सो हम ये कह रहे हैं कि इंडिया की कल्पना जो है वो हमें ये समझना चाहिए और मैं जल्दी से 3 रीजन्स की बात करूंगी बहुत ही जल्दी क्योंकि बार बार जब ये बात उठती है अभी मैं कहीं गई थी जहाँ एक्चुअली ट्रिवेंड्रम गई थी जहाँ एक साइंस स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि हमें कभी क्यों नहीं सिखाया गया कि कश्मीर का एक्सेशन कैसे हुआ हिंदुस्तान में, हमें स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाते, क्यों यही सिखाते हैं कि कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो सवाल बहुत ही गंभीर है और एक्चुअली ज़्यादा लोग इतिहास नहीं जानते, CHS के टीचर यहाँ मौजूद हैं और CHS के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आप जानते हैं क्यों CHS पे और इतिहास पे इतना बड़ा हमला ये लोग करना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास एक बार हम जान गए तो राष्ट्र के सारे रहस्य खुल जाएंगे, राष्ट्रवाद का पोल खुल जाएगा यही है प्रॉब्लम। तो अगर आप तो जब हम देखते जब हम कहते हैं बार बार इंडिया इंडिया 15 अगस्त 1947 में उस वक्त उस मोमेंट पे इंडिया जिसे हम कह रहे हैं उसके कई जगह ऐसे थे कई रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपने स्वायत्त इतिहास थे
कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑफ द नेशन स्टेट, वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश सरकार के साथ वो डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, और उनकी अपनी अपना इतिहास था. लेकिन इस सबको एक तरफ करके इंडियन स्टेट ने एक बड़ा स्टेप लिया कि ये सब हमारा है. अब मणिपुर को लीजिए, मणिपुर को लीजिए, मणिपुर 1947 में, 1947 में, सॉरी कैन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था, एक संवैधानिक राजशाही उन्होंने एस्टैब्लिश की थी विद अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली. ये ब्रिटिश के साथ जो नेगोशिएशन चले थे वो ये हुआ था, बिल्कुल जनतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक असेंबली जिसमें लोगों ने चुनाव लड़े और जिसमें चुनाव लड़े लोग, और वो मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था. लेकिन विद इन मंथ्स मणिपुर के राजा को यानी कि हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार किया गया और मणिपुर को मर्जर में, मर्जर के लिए ज़बरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ. नागालैंड को देखिए, हैदरी अग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटेन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टिव स्टेटस दिया गया. उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया, और शायद सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट वाज टू एक्चुअली एयरली बॉम नागालैंड. कश्मीर की कहानी एक्चुअली यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि जो प्लेबिसाइट, जो प्रिंसिपल अपनाया गया बाकी किंगली स्टेट्स के लिए, जैसे जूनागढ़ को लीजिए, जूनागढ़ के रूलर मुसलमान थे, लोग हिंदू थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, लेकिन प्रिंसिपल ये दोहराया गया कि लोग क्या चाहते हैं, और लोगों ने चाहा क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी था कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो जूनागढ़ हिंदुस्तान में आ गया. और ऐसे कई और स्टेट्स भी थे, लेकिन कश्मीर में ये हुआ कि जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तानी वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो एक्सेशन एक शर्त पे हुआ था कि, और कश्मीर आपको, आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जूनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ. और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेजन ख़त्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा. तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है, और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर. एवरीबडी एक्सेप्ट्स लेट अस नॉट इन्वेड द यूएस, लेट अस नॉट इन्वेड द यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज वी आर अ ग्लोबल सुपर पावर एंड दे आर सेइंग कश्मीर इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया. ये क्यों है आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं या टाइम या न्यूज़ वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाया, तो फिर उन कॉपीज को तभी बिल्कुल जलाया जाता है या सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं हैं. तो जब दुनिया भर में लीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है, और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझे कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है. इट्स एन इम्पीरियलिस्ट, इट्स एक बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है, तो क्या हमें इस पर गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए. तो ये थी, और हम जानते हैं कि जो जनतांत्रिक एस्पिरेशंस है लोगों के तरह तरह के, मतलब या नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में हो या छत्तीसगढ़ में हो, एक आपसपा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वो एक ब्रह्मास्त्र है जिससे कि इंडियन नेशन स्टेट किसी न किसी तरह ऑर्डर को कायम रखता है, सोशल ऑर्डर को कायम रखता है. इट इज़ अ डेली इमरजेंसी,
वो एक निरंतर रोजाना इमरजेंसी है इन जगहों में जहाँ आफ्सपा है, और क्योंकि हमारे नाम पे यानी कि भारत के सिटीजन्स के नाम पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये आफ्सपा चला रहे हैं, हम सब इसके इसके इनजस्टिस में, इसके अन्याय में हम सब मौजूद, हमारे नाम पे किया जा रहा है कि समथिंग लाइक आई डोंट नो 30-40% ऑफ द कंट्री इज अंडर मिलिट्री रूल। जो तो भारत का चेहरा, इंडिया या हिंदुस्तान का चेहरा जो कश्मीर देखता है और नॉर्थ ईस्ट देखता है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी देखते हैं, वो है इंडियन आर्मी, ये हम याद रखें। तो एंटी नेशनल किसको माना जाता है, और अब मैं अभी आखिर में आ रही हूँ मेरे लेक्चर की, तो एक वो है जो काउंटर नेशनलिज्म्स प्रकट करते हैं, और दूसरा वो जो विकास के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है कि विकास है बड़े बांध और फ्लाईओवर और मॉल्स और वो सब विकास है, और जो जिंदगियां लोग रोजमर्रे की जीते हैं वो विकास नहीं है। तो कभी तो एनबीए को भी एंटी नेशनल ठहराया गया है, और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी एंटी नेशनल ठहराया जाता है। तो काउंटर नेशनलिज्म्स और विकास के खिलाफ जो बोलते हैं, विकास तथा कथित विकास ऑब्वियसली। तो मैं कभी हमारे दोस्तों हम दोस्त बैठ के एंटी नेशनल के लिस्ट बनाने की मतलब कोशिश करते हैं, वो बढ़ता जाता है वो लिस्ट, तो देखते हैं एंटी नेशनल कौन कौन है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट तो है ही एंटी नेशनल, कश्मीर तो है, मुसलमान तो सारे हैं, अभी ज़्यादा क्रिश्चियन भी बन रहे हैं एंटी नेशनल, अंबेडकराइट तो हैं क्योंकि कभी कला मंच के सारे जेल में हैं क्योंकि वो गाना गाते हैं जातिवाद के खिलाफ, अंबेडकराइट हैं, तमिलनाडु तो है ही क्योंकि हिंदी नहीं बोलेंगे वो, तो तमिलनाडु बहुत दिनों से बोल एंटी नेशनल है। लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जो आदिवासी और किसान बोलते हैं वो हैं एंटी नेशनल, और फिर जो जीन्स पहनती हैं, शराब पीती हैं, नहीं मानते वो एंटी नेशनल हैं, जो समलैंगिक प्यार करते हैं वो हैं एंटी नेशनल। ये सब जब हम पॉपुलेशन के हिसाब से गिनते जाए फिर मुझे लगा कि शायद 24-25 लोग रह गए हैं जो कि और वो है 56 इंच वाले मोदी जी, अमित शाह, मनुस्मृति ईरानी जी, और वो जो 22 वकील जो जिन्होंने हमें पीटने की कोशिश की। जाते हैं इस देश में तो हमें राष्ट्रवाद के बारे में बहुत चिंता करनी चाहिए।